जय हिंद। आप लोग देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून, मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। एक बार फिर से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू से समय की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से कल ही फार्मर मिनिस्टर चौधरी लाल सिंह जी को जो है वो जम्मू के सैनिक कॉलोनी से उन्हीं के किसी रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार किया गया था, और उसके बाद अचानक जो है वो उनकी तबीयत खराब हुई है, यानी कि हालत जो है वो उनकी गंभीर हुई है, और जिसके बाद उन्हें जीएमसी जम्मू में यहाँ पर एडमिट किया गया है। लेकिन वहीं उनके अगर समर्थकों की अगर बात करें तो उनके समर्थक इस समय यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार गंभीर आरोप यहाँ पर बीजेपी पर यहाँ पर जो है वो लगाए जा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं जो है वो जम्मू के डोगरों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि चौधरी लाल सिंह जी की बात करें तो जम्मू कश्मीर की सियासत का अपने आप में एक बहुत बड़ा चेहरा और डोगरों की आवाज को उठाने वाला, लेकिन आज जिस तरह से उनकी हालत जो है वो काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है, और आज जिस तरह से उनकी हालत जो है वो काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो है वो उनके समर्थकों में काफी ज्यादा गुस्सा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बोधराज शर्मा जी हमारे साथ हैं। बोधराज जी, क्या कहना चाहेंगे, चौधरी लाल सिंह जी की हालत गंभीर बनी हुई है और ऐसे में समर्थकों का गुस्सा जो है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ? देखिए, बड़े दुख से मुझे कहना पड़ रहा है, जो जम्मू की बात करेगा, डोगरों की बात करेगा उसको दबाया जाएगा, जो सच की बात करेगा उसको दबाया जाएगा। ये भाजपा का षड्यंत्र है, क्योंकि सीधा सीधा जो भाजपा का षड्यंत्र है, भाजपा की दोनों मेंबर पार्लियामेंट की सीटें हार चुकी हैं। अगर जम्मू के दबाया जाएगा, ईडी, सीबीआई, एनआईए, बाकी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाएगा। आपने देखा जो राजस्थान के अंदर ईडी से क्या कुछ पकड़ा गया है, उनकी एंटी करप्शन ब्यूरो ने 25 लाख पकड़े, ये दबाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा का ग्राउंड जम्मू कश्मीर से खत्म हो चुका है। अब वक्त आ गया है, अगर ईडी सीबीआई लगानी है तो उनके ऊपर लगानी चाहिए। भाजपा का सबका उप मुख्यमंत्री, चाहे कमिंदर गुप्ता जी हो, चाहे निर्मल सिंह जी हो, चाहे उनके मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर जी हो, क्योंकि इन्होंने एक स्कैम किया है, मैं तो स्कैम कहूंगा, मीडिया के माध्यम से खबर चली थी, स्कैम वो था, इन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाया हिमाचल में, चेक बाउंस हुए हैं जेके बैंक के, ईडी सीबीआई वो उनके क्यों नहीं गई, क्यों उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि जो जम्मू की बात करेगा, अगर इन्होंने सीबीआई ईडी लगानी थी, बड़े बड़े पेट वाले भाजपा जानकर किए हुए लोगों ने बड़े बड़े होटल बनाए हुए हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं, क्योंकि ये लोगों को दबाने का काम कर रहे हैं। जम्मू को, जो जम्मू की बात को बुलंद करता है, डोगरों की आवाज को उठाता है, उसको दबाने का काम ये कर रहे हैं। लेकिन वक्त अब आ चुका है, आने वाले समय में जम्मू के खिलाफ जो भी हो, ये बीजेपी अपना बेड़ा गर्क कर रही है। विपरीत बुद्धि और विनाश काल है, क्योंकि ये शासी नेताओं के इशारे पे ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि चौधरी लाल सिंह जी ने अगर उसी जगह पे बाइन छाप खोली होती, जहाँ बाइन छाप होती, बाहर होती, शराब दे हाथे खोले होते हैं नरेंद्र जी, फिर बीजेपी ने राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को अवार्ड लपना चौधरी साहब की। सिर्फ बाकी लोगों के ऊपर पिछेंगे ईडी से सीबीआई क्यों लाई दी, ये बीजेपी के भी कुछ लीडर ने उनका, देखो बीजेपी दे मैं वखा निर्मल सिंह, कमिंदर गुप्ता और जुगो किशोर शर्मा, एक स्कैम होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लाया इन्हें हिमाचल, कम नहीं किया, चेक बाउंस हो गए, बैंक से पैसा ले रहा है, क्यों नहीं ईडी सीबीआई के ऊपर क्यों नहीं पुलिस ने कार्रवाई की, क्योंकि वो बीजेपी दे, बीजेपी जड़ा जाता दुधा तो ही जिंदा, बड़े बड़े ढिडियाले बीजेपी, चौधरी लाल सिंह और अगर बीजेपी पे जंदे ता बिल्कुल जल गए थे ओला क्यों नहीं किया, जिस टाइम बीजेपी रहे चौधरी साहब बड़े पवित्र है, अज क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि चौधरी साहब ने जिस जगह की गल चला दी है, नरेंद्र जी स्कूल खोले दा है, सैकड़े साहब कने झरे साहब कने बच्चे पढ़ा करते हैं, लेकिन बीजेपी जी ये गल रास नहीं आती कि साड़ा जम्मू का बच्चा पढ़े, वो चाहते जिन्हें सारे सरकारी स्कूल सारा स्टाफ खाली कर दिते ने, कहते हैं कि बच्चा बेरोजगार रवे, अनपढ़ रवे, नशे करे, पर नशे इंदे बिगन, बड़े बड़े जो व्यापार ने इंदे लीडर ने व्यापार है, बड़े बड़े लीडर ने ये बर्बाद करिए जम्मू की, लेकिन जम्मू के लोगों पता क्या रखे, नरेंद्र तो ग्राई हो गया, ग्राई बंदे हो ना, लोगों धमना डंडा रखे था, धमन भाखा नहीं छिलका कोहली है, हूँ उ चलाना इंदे उपर, हूँ बीजेपी का वक्त आई है, धमना डंडा रखे था, हूँ धमना डंडा चलाना छिलका कोहली है, छिलका तुआरी है ना, वो डंडा चलना इंदे उपरू, वक्त आई गया था, बड़ा बुरी हालत है, लेकिन बच्चे नरेंद्र जी बच्चे इन्ना गुस्सा है, और गुस्सा किस रूप च बाहर निकलना है, वो आने वाला वक्त दसना हूं, इलेक्शन कोल आना लेने के लगता है कि ओदा का कोई स्टंट हो सकता है, क्योंकि पहले भी हो सकती है, बीजेपी का सुपना साफ है, अगर इनके दम है तो एक दो शीर, एक शीर कर दसन, इनके एक शीर नहीं निकली, ये बुखलाट है, सीधा सीधा रोल डॉक्टर जितेंद्र सिंह का, डॉक्टर जितेंद्र सिंह का रोल है, क्योंकि उन्हें पता है उनके जड़े तेल लगी गए, कख नहीं लपना, नहीं जड़े तेल को उसने लाया,
लोके लाना इस बारी लोके क्या कोई जम्मू की बर्बाद किता नरेंद्र जी जम्मू की बर्बाद किता ना लोके उन जड़े तेल लगी गए था उन एक तरह जवाब पत्थर कर देना लोके आई लांदे लक्षण अगर इनकी जमात की जब्त ना हुई तो मैं पूछ लिया तुम बीजेपी के लीडर की जमात जब्त होनी है लोके करा बाहर नहीं जान देना वोट मंगे अज अगर तुसें की लगता बहुत राज ये कि अगर अज चौधरी लाल सिंह और बीजेपी ज्वाइन करी उड़ते हैं चौधरी लाल सिंह और अज बीजेपी ज्वाइन कर लेंदे तो चौधरी साहब जी को पवित्र कोई नहीं रोना ये चौधरी लाल सिंह पवित्र कोई नहीं रोना अजीत पवार महाराष्ट्र दिखे तो है मगर लगी ईडी सीबीआई सारी लगी बोले तो ऐसा नहीं हो थोड़े पिछले भी ईडी मेरे को क्या लाना ने कख नहीं है इटा जो पत्थर देना जम्मू की जितने गल लोग बोध राज शर्मा जोरा करने मजबूती करने लोगों करने है क्योंकि बोध राज शर्मा ईडी सीडी दूसरे एजेंसी डरता नहीं अस स्पष्ट गल करके अस लोगों के मुद्दे की गल करके बीजेपी का जड़े तेल लगी गए हूँ भगत आई गए बीजेपी का सुपड़ा जम्मू कश्मीर साफ है तो बिल्कुल काफी ज्यादा गुस्सा इस समय यहाँ पर चौधरी लाल सिंह जी के समर्थकों में यहाँ पर देखने को मिलता हुआ और हर किसी का ये कहना है कि अगर चौधरी लाल सिंह जी आज बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं तो ये तमाम ईडी वगैरह जो है वो आज ही जो है वो निचोड़ देंगी। तो फिलहाल इन बातों में कितनी सच्चाई है ये सब कहना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन फिलहाल तस्वीरें इस समय की बिल्कुल जीएमसी जम्मू के बिल्कुल बाहर से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर चौधरी लाल सिंह जी की हालत जो है वो गंभीर बनी हुई है और कल शाम के वक्त ही जिस तरह से ईडी द्वारा जो है वो उन्हें जम्मू के सैनिक कॉलोनी से उन्हीं के किसी रिश्तेदार के घर से जो है वो उन्हें गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद रात को उनके समर्थक भी वहां पर पहुंचे ईडी दफ्तर के बाहर और काफ़ी देर तक हंगामा वहां पर चलता रहा, लेकिन ऐसे में अचानक जो है वो सुबह उनकी तबीयत जो है वो ख़राब हो जाती है, यानी कि उनका ब्लड प्रेशर जो है बढ़ जाता है और जिसके चलते उन्हें फिलहाल जीएमसी जम्मू में यहाँ पर लाया गया है और यहाँ पर उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। लेकिन अभी भी समर्थकों की बात करें तो समर्थक यहाँ पर मौजूद और हर कोई ये यहाँ पर जो है वो देख रहा है कि आखिरकार यहाँ पर जो है वो चौधरी लाल सिंह जी के साथ जो है वो क्या किया जा रहा है। फिलहाल दुआ करें कि चौधरी लाल सिंह जी जल्द से जल्द ठीक हो जाए और सही सलामती से जो है वो ठीक हो जाए। और लेकिन फिलहाल तस्वीरें इस समय की दर्शन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, साजन मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, कई सारे लोग यहां पर जुड़े हैं, सौरभ वर्मा जी, अरुण प्रिया जी और होशियार सिंह जी यहां पर अपनी राय रखते हुए और कई सारे लोग यहां पर जुड़ रहे हैं और आप सभी लोगों की राय हमारे लिए बहुत अहम है। लेकिन अंदर की बात करें तो अंदर सिक्योरिटी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा खासे इंतजाम अंदर किए गए हैं और भी चौधरी लाल सिंह जी के समर्थक हैं यहाँ पर बात करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, चौधरी लाल सिंह जी को जो है वो कल जम्मू के सैनिक कॉलोनी से जो है वो गिरफ्तार किया गया था लेकिन आज उनकी हालत कहीं ना कहीं जो है वो काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। हाँ, ऐसा हुआ कि कल जहाँ से सारा दिन वो ईडी के ऑफिस में थे, बेटी को बुलाया हुआ था इन्होंने, क्योंकि हर बच्चे को भी बुला रहे हैं, उनके हर बच्चे को बुला रहे हैं, सबके सारे मेंबर घर के हैं बुला रहे हैं, बारी बारी बुला रहे हैं। परसों रात तक चौधरी साहब थे और कल बेटी को बुला लिया, चौधरी साहब उसके साथ हैं। हम वहाँ आए थे शाम को 5 बजे, उन्होंने छोड़ा वहाँ से, उन्होंने खाना कुछ नहीं खाया था सारा दिन का, और कोई एक दोस्त ने उन्होंने कहा कि आज मेरे पास खाना खा लो आप, तो वो खाना खाने वहाँ चले गए सीधे। उसके बाद इन्होंने 2 दिन पहले क्या किया कि उनका एक अफसर जो था, सिक्योरिटी अफसर था, वो चेंज कर दिया, कोई ऐसा अफसर दे दिया जो उनको बार बार बता रहा था कि ये इस वक्त कहाँ है, इस वक्त कहाँ है। अरे चौधरी लाल सिंह के लिए ये इस तरह की सीआईडी करने की जरूरत नहीं है, वो खुद कहो, वो खुद जाने, अभी कोई कहने, वो ऐसा है, वो शख्स है। उसके बाद भी इतनी घिनौनी हरकत करे ये सरकार, तो बड़ा अजीब लग रहा है जी। हमारे ऐसे लीडर की तुहिन करना मीन हम सब पब्लिक का कोई मान नहीं है, हमारे सब की इंसल्ट है, हमारी सब की इज्जत का सवाल है जी। ऐसे लीडर को जिसने कुछ किया इसी हॉस्पिटल को, इन्हीं हॉस्पिटल को ठीक करने के लिए, वही शख्स था जिसने सारे लोगों के इलाज मिलता था, लोग कितने खुश थे, आज वो खुद जहां जब आए आज उनके साथ क्या हालत हो रही है, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। और साजिश की तबीयत कैसी है? तबीयत तो ठीक नहीं है, देखो अंदर टेस्ट के लिए ले, एक टेस्ट बाकी था या दो, अंदर जब ले गए उस टेस्ट को करा, लेकिन उसमें लिखा क्या रिपोर्ट क्या लिख रहे हैं, और गाइड कौन कर रहा है, ईडी गाइड कर रही है डॉक्टरों को, तुम ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, और उसके बाद ये लिख रहे हैं कि ये पेशेंट टेस्ट करवाना नहीं चाहता, ये रिपोर्ट भेजी गई है। इससे ज़्यादा बताओ अब कोई बचा है, कुछ बचा है झूठ मारने के लिए, कुछ बचा है, नहीं बचा है। मैं क्या कहना चाहेंगे, घर जल रहे हैं, घर जल रहे हैं चिरागों के बदले,
नया है जमाना, नई रोशनी है। आपने देख लिया ये नई रोशनी है या गंगोर अंधेरा है, किस ढंग से एक ऐसे डोगरा लीडर को क्रश करने की कोशिश की जा रही है। ये शुरुआत तो इन्होंने उसी दिन से कर दी जिस दिन गांधीनगर किसी का ना जो रेजिडेंस था खाली नहीं करवाया गया, चौधरी लाल सिंह को खाली कराया गया। ये क्या है, ये गेम है कि किसी ना किसी ढंग से इसकी मूवमेंट को खत्म किया जाए, डोगराज को वीक किया जाए, और उसी दिन से ये शुरुआत हो चुकी थी। जी जी, देश में एक बार इमरजेंसी लगी थी 1975 के अंदर, तो इतने बुरे हालात नहीं थे। आज डोगरा वालों के जो डोगरा है लोग हैं ना यहाँ के जम्मू वाले, इनके हालात उस इमरजेंसी के डाटे को निकालिए उससे बुरे हो गए हैं। और अपोजिशन में इनका मेन एजेंडा है, देश में जो अपोजिशन होती है वो रूलिंग पार्टी को सिखाती है कि भाई साहब आप जहां गलती कर रहे हो आप इस रास्ते चलो देश का माहौल ठीक हो जाएगा, यो अपोजिशन इसलिए होती है। लेकिन जे जो सरकारें आई हुई हैं इनका एजेंडा ये है कि अपोजिशन को खत्म कर दो, हमें अपोजिशन नहीं चाहिए, जो बोलता है उसको अंदर कर लो, अरेस्ट कर लो, और उसी के तहत आज चौधरी साहब को अरेस्ट किया जा रहा है। कि आज चौधरी लाल सिंह जी अगर बीजेपी में चले भी जाएं तो ये ईडी वगैरह फिर उनके पीछे चलेगी, पूरा प्रेशर डाल रहे हैं। लेकिन वो चौधरी लाल सिंह है, वो डोगरा बेटा है, ये वो ये बात इनका ये दुत्कारेगा इनको। बिल्कुल साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि समर्थकों का साफ तौर पर ये कहना है कि चाहे कितना भी दबाव क्यों ना डाला जाए लेकिन डोगरों की आवाज चौधरी लाल सिंह जो है वो कभी भी दबने वाली नहीं है, और ऐसे में चाहे कितने भी एजेंसी उनके पीछे क्यों ना लगाए जाए लेकिन वो जो है बीजेपी को ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल तस्वीरें लगातार जिस तरह से कवरेज हम आपको जम्मू से आपको दिखा रहे हैं, कुछ देर पहले भी हमने आपको अंदर से तस्वीरें दिखाई थी कि यहाँ पर चौधरी लाल सिंह जी जो है अभी हॉस्पिटल में वहाँ पर जेर इलाज हैं, और उनकी हालत की बात करें तो वो फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। लेकिन ईडी की बात करें, फिर जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें, कई सारी सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो वहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर वहाँ पर तैनात की गई हैं और अभी भी वहां पर उनका इलाज जो है वो जारी है। आप सभी लोग भी ये दुआ करें कि चौधरी लाल सिंह जी जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लेकिन फिलहाल अभी जो है वो ये कहें कि आगे के लिए चौधरी लाल सिंह जी को जो है वो किन किन मुश्किलों का और सामना करना होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन चौधरी लाल सिंह जी फिलहाल जो है वो कल ही जिस तरह से जम्मू के सैनिक कॉलोनी से इन्हें जो है वो गिरफ्तार किया गया था, और उसके बाद शाम के वक्त जिस तरह से उनके समर्थक वहां पर ईडी दफ्तर के बाहर वहां पर जोरदार प्रोटेस्ट भी वहां पर किया गया, और उसके बाद अचानक उनकी तबीयत जो है वो खराब हो जाती है और जिसके बाद जीएमसी जम्मू उन्हें यहां पर लाया जाता है। लेकिन अभी फिलहाल उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है और डॉक्टरों द्वारा भी कोशिश की जा रही है कि उन्हें बेहतर ट्रीटमेंट दिया जाए और सही सलामती से उन्हें जो है वो ठीक किया जाए ताकि वो आगे के लिए जो भी है वो अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजर बसर कर सके। तो फिलहाल आप लोग जो है वो अपनी राय इस पर ज़रूर साझा कीजिएगा कि जिस तरह से लगातार ईडी का सामना जो है वो चौधरी लाल सिंह जी को करना पड़ा है, लेकिन आखिरकार कहीं ना कहीं जो अब जो सतवीर जी क्या कहना चाहेंगे, आप अभी अंदर से आए हैं, कैसी तबीयत है उनकी? देखिए हमें तो मिलने नहीं दिया जा रहा, तबीयत का तो हम तभी बताएंगे जब उनसे मिलेंगे। लेकिन बस कितनी एजेंसी है, कौन कौन सी फोर्स? नहीं नहीं, एक चीज़ की हैरानगी हुई मुझे, अंदर आप पुलिस फोर्स देखोगे ना तो वो तो छावनी में तब्दील कर दिया गया है सिर्फ एक चौधरी लाल सिंह के लिए। मेरे ख्याल से इतना मिलिटेंट के वक्त भी दस्ता नहीं होता होगा, तो इस तरीके से छावनी को तब्दील किया गया है, ये हालत है हमारे डोगरों की, रियलिटी है ये। अब शर्म आएगी किसी को तो बात अलग है, लेकिन ये रियलिटी है आपकी डोगराओं की आवाज़ को, आपकी डोगरा लीडरशिप को दबाने के लिए ना उधर भी बैठ के कोई डोगरा ही षड्यंत्र रच रहा है। पहले कश्मीरियों पे इल्ज़ाम लगता था ना, फारूक अब्दुल्ला गलत कर गया, महबूबा कर गई, मुफ्ती कर गया, उमर कर गया, अब कौन कर रहा है ये सारी की सारी जम्मू कश्मीर की जनता देख रही है। ईडी क्या सिर्फ चौधरी लाल सिंह के लिए है? ईडी उनके लिए नहीं जिनके चेक बाउंस हो जाते हैं, ईडी उनके लिए नहीं जिनका हिमाचल में हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी के प्लांट चल रहे हैं, ईडी उनके लिए नहीं है जिनकी घर पहले कुछ नहीं था, जो घोटाले करते हैं सड़कों के नाम पर, पुल थोड़े दिन पहले बन जाए वो गिर जाते हैं, पुल गिर जाते हैं उनके ऊपर ईडी नहीं बैठती। जैसे ही काम करने वाला इनपे ईडी बैठी है तो इतने लीडर हैं उनका, आप रिकॉर्ड निकालोगे ना, आप उनका रिकॉर्ड निकालोगे, 2014 से पहले 14-14 रुपए संपत्ति बताने वाले आज कितने करोड़ों के मालिक हैं, कितने हजार करोड़ों के मालिक हैं, उनके ऊपर ईडी नहीं बैठती। ईडी को मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कहना चाहूंगा, ये जम्मू कश्मीर में जो एक बड़ा ही गंदा नाच चल रहा है ना, इसको खत्म किया जाए, और ईडी अगर बिठानी है ना उनपे बिठा जाए। और एक चीज और कहना चाहता हूं, जम्मू का जो अपोजिशन है ना वो डेड है, मरा हुआ, मैं पहले बोलता आज भी बोलता हूं, कहां है अपोजिशन के लीडर, क्यों डरे हुए हैं, क्यों मरे हुए, बाहर क्यों नहीं निकलते, अपोजिशन के लीडर क्यों सोए हुए हैं? मेरे ख्याल से वो भी इसलिए सोए हुए हैं, उनको ईडी से डर लगता होगा, ईमानदार वो सिर्फ
कैमरे पे कहते होंगे, उनकी ईमानदारी कुछ इस हिसाब की होगी कि अगर बाहर निकले तो उनको डर होगा कहीं हम अंदर ना हो जाएं। लेकिन जो आज सत्ता में है उनको मैं कहना चाहता हूं, वक्त बदलते देर नहीं लगती, मौका मिलता है, सबको मौका मिलता है, लेकिन तुम जो हमें पढ़ाके, तुम जो हमें सिखा के जा रहे हो नई राजनीति का तरीका, ये राजनीति तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी, बहुत महंगी पड़ेगी। बाकी डोगरों से कहना चाहता हूं, जम्मू के लोगों से, रब दा वास्ता जागियो, तुसे रोने वाला भी कोई लभना। काफी गुस्सा यहाँ पर समर्थकों में लगातार देखने को मिल रहा है, और सेंटर में बैठी बीजेपी की सरकार को भी हम ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह से तरना पुल जो है वो कुछ दिन पहले जो डैमेज हुआ था, वहाँ पर भी जो है वो ईडी कार्रवाई करना चाहे तो उस पर भी कर सकती है। उधमपुर की जो हमने कवरेज दिखाई थी कि 4 साल पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा एक पुल का जो उद्घाटन किया गया था, उसकी हालत किस तरह से बन चुकी है, वहाँ पर भी ईडी जो है वो अपना काम कर सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर अपना काम करी तो इसके अलावा और भी कई सारे मुद्दे हैं, ईडी को चाहिए कि वो वहाँ पर भी नज़रसानी करे ताकि जम्मू कश्मीर को जो है वो करप्शन से जो है मुक्त किया जाए। लेकिन फिलहाल चौधरी लाल सिंह जी की हालत जो है फिलहाल नाजुक बताई जा रही है और उनका इलाज अंदर जारी है। जैसे इस हवाले से कोई और भी अपडेट सामने आएगी वो भी हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।